हेलो गाइस, आज मैं आपको पुराने बॉटल के रीयूज दिखाऊंगी। तो मैंने एक बॉटल लिया है, तो बॉटल को मैंने दोनों साइड से काट लिया है। तो आप उसे काटने के बाद में उसका बेस मैं अभी तैयार करूंगी। उसके लिए मुझे चाहिए कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड मैंने एक पहले से काट लिया था, उसके साइज अनुसार। तो मैंने उसको फिर मजबूत बनाने के लिए और एक कार्डबोर्ड मुझे चाहिए बेस तैयार करने के लिए। तो आप बेस के लिए बॉटल का नीचे जो हिस्सा आता है उसको नहीं काटने से भी चलेगा, क्योंकि मेरा बॉटल ख़राब था तो इसलिए मैंने उसको काट दिया था। तो मैं अभी आपको काट को दिखाऊंगी। देखिए, मैंने इसको सर्कल वाइज में उसके साइज अनुसार काट लिया है। अभी मैं इसको दो कार्डबोर्ड जो लिया है उसको मैं अभी फेविकॉल के मदद से जॉइन करूँगी। तो मैंने अभी एक ब्रश ले लिया है और उसको मैं अभी अच्छी तरह से फेविकॉल से पेस्ट कर दूँगी। फेविकॉल एक अच्छा फिनिशिंग भी देता है उसका, जो बहुत दिनों तक कोई भी आप सामान वगैरह चिपकाएंगे तो बहुत दिनों तक अच्छा रहता है। आप उसके जगह आप दूसरा गम भी ले सकते हैं, मगर फेविकॉल का जो एक जोड़ है, बोलते हैं ना फेविकॉल का मजबूत जोड़ टूटेगा नहीं, वही मैंने फेविकॉल लिया है। तो ज्वाइन करने के बाद में दोनों को तो देखा तो थोड़ा बहुत निकल आया, तो मैंने उसको अच्छी तरह से काट लिया है। अभी मैं इसको कवर करूँगी। तो इसके लिए मुझे चाहिए पुराना कपड़ा, जो जिसका फैब्रिक बहुत अच्छा हो। पुराना कोई भी कपड़ा चलेगा, मगर फैब्रिक उसका अच्छा होना चाहिए। तो मैंने इसको आइडिया से सर्कल वाइज, उसके कार्डबोर्ड का जो सर्कल वाइज थोड़ा सा बड़ा हमने काट लिया है। आप किसी भी कंपास से या कोई भी इंची टेप से आप उसका माप ले सकते हैं, पर मेरे आइडिया से मैंने इसको ले लिया। अभी मैं इसको कवर करूँगी। तो उसके लिए मुझे चाहिए फेविकॉल। फिर मैं इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से ढक दूँगी ताकि ये दिखे ना। तो इसको साइड में मुझे मोड़ना है, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा कट दे दिया है। इसे फेविकॉल लगा के चारों तरफ से कपड़े को चिपका दूंगी। चिपकाने के बाद ये और भी अच्छा दिखेगा, ये ढक जाएगा पूरी तरह से। आप इसका बेस भी पता नहीं चलेगा किस चीज़ से बना है। तो मैंने इसको अच्छी तरह से ढक दिया है। अगर आपके पास बेस आप रख रहे हैं बोतल के, तो वो आपको बनाना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट कोई कपड़े से कवर कर सकते हैं। मैंने पहले से काट दिया है, इसलिए मुझे बेस चाहिए था। अभी मुझे बोतल को कवर करना है, इसलिए मैंने उसके साइज अनुसार एक दूसरा कपड़ा लिया है। तो ये मेरी बेटी की एक कपड़ा था, तो मैंने उसको अच्छी तरह से कट करके अभी मैं उसको पूरा बॉटल को कवर कर दूंगी। मैंने अभी फेविकॉल लगा लिया है, अभी मैं इसे कपड़े को अच्छी तरह से पेस्ट कर दूंगी। कभी कॉटन कपड़े से आप कवर कर सकते हैं, आप सिंथेटिक कपड़े से भी कर सकते हैं, रेयन से भी कर सकते हैं। आपके पास जैसे कपड़े अवेलेबल है आप उसे कर सकते हैं। तो मैंने इसे धीरे धीरे करके पूरे बॉटल पे कपड़े को रैप कर दिया। धीरे धीरे करके आप ये चीज कीजिए, देखिएगा उसको थोड़ा स्ट्रेच कर कर कीजिए, तो कपड़ा भी उसका जो जो एक दो जगह जो सिकुड़ जाता है वो नहीं रहेगा, और वो अच्छा तरीक़ा से बॉटल के साथ पेस्ट हो जाएगा। देखिए, मैंने इसे पूरा फेविकॉल के मदद से मैंने इसे अच्छी तरह से चिपका दिया है। अब एक्स्ट्रा जो कपड़े इसमें जो रहेगा, तो मैं उसे कैंची के मदद से काट दूँगी। फिर इसका जो साइड में थोड़ा बहुत सूता वगैरह निकले हैं, थ्रेड वगैरह, तो मैं उसे गम के मदद से चिपका दूँगी। आप इसमें
लेस वगैरह, आप कोई भी स्टोन्स या तो कोई भी चीज़ स्टिच कर सकते हैं आप तो अच्छा दिखने के लिए। पर मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने उसी से काम चला लिया। मैंने इसे मोड़ के रख दिया ताकि इसका जो कटा हिस्सा जो थ्रेड निकला हुआ है वो, ताकि बाद में बार बार निकले ना। तो मैंने इसे अच्छी तरह से पेस्ट कर दिया, जहाँ मुझे ज़रूरत है मैंने इसे अच्छी तरह लगा दिया। फिर मैंने इसके हाथ से अच्छी तरह से रब कर दिया। फिर मैंने बेस को पहले बिठा के देख लिया कितना मुझे कहाँ पर मुझे लगाना है। तो फिर मैं इसको अच्छी तरह से फेविकॉल लगा के फिर बॉटल के नीचे हिस्से में मैंने उसे बिठा दिया। फिर जो एक्स्ट्रा जो कपड़े निकले हुए हैं बॉटल के ऊपर, जो मैंने रेड कपड़ा लगाया है, उसको मैं अभी बेस के साथ अच्छे तरह से चिपका दूंगी। चिपकाने से वो बेस भी उससे पकड़ भी लेगा और फेविकॉल का जो जोड़ है, जो फेविकॉल बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है ये गम, तो मैंने उसे लगाया है। और फिर ऊपर की तरफ मुझे अंदर की तरफ कपड़े को डालना है, इसलिए मैंने अंदर की तरफ मैंने फेविकॉल लगा लिया है। फिर आप अपने कपड़े को ऊपर से काट के छोटे छोटे फिर आपको फोल्ड कर दीजिए। देखिए अभी कितना अच्छा लग रहा है। Thank you.